have to find out the relationship with others in our life. मैंने चार्ट में देखा है कि बहुत से लोग जो लड़के लड़की का मिलान करते हैं, एक चार्ट सामने आकर बनी जी चार्ट के हिसाब से नक्षत्र की मैचिंग करते हैं। इसको बहुत सिंपली ये लिया है, नौ मिला है लेकिन उनके मिला है, लेकिन अगर नक्षत्र पे जाते हैं तो मैंने देखा एक लड़की के लिए लड़का भाग्यशाली था नक्षत्र वाइज, लेकिन लड़की के लड़के के लिए लड़की भाग्यशाली नहीं। जो 159 और दूसरे साथ क्या देखते हैं जो मैंने आपको चाहते हैं लिखा था कि भाई उसमें उसकी विविधता होगी कि वक्तता होगी, तो उसमें क्या था कि लड़के के लिए लड़की भाग्यशाली, लड़की लड़की के लिए लड़का तो भाग्यशाली है, जैसे शादी होकर लड़की आएगी तो उसका भाग्य खुल जाएगा, उदय हो जाएगा, लेकिन वो लड़के के लिए उल्टा है, लड़के के लिए जैसे ही शादी होगी उसकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो ये चार्ट अपने आप में बहुत ही अलग चार्ट है, मतलब उसका नहीं वो निदान के लिए भी ये चार्ट काम आएगा कि उन फलों का उन वृक्षों का सहयोग मिले, तो वो निदान भी आएगा परिवर्तन कर दिया हुआ है, निदान का अलग चार्ट दिया है और पूरी भी परिवर्तन होगा, मित्रता होगी। अब उसमें क्या होगा, समझो आपको ये तकलीफ आने वाली है, इसमें लिखा है समझो विशाखा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र का स्वामी कौन है, गुरु है, तो विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति को क्या होगा, नाड़ी से नीचे की प्रॉब्लम आएगी, लो ब्लड प्रेशर होगा, मूत्राशय के रोग और किडनी के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसको, बरोबर है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, बार बार पेशाब जाने की तकलीफ हो सकती है, माइंड में ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, बरोबर, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है उसको, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं आप उससे अपनी प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, वो प्लांट यूज करते हैं, और वो प्लांट की जड़ अगर आप बच्चे को उसको डेली को डेंगू को बांध देते हैं बांध हाथ में, तो उसकी जो वाइब्रेशन है, मैंने उस दिन भी आपसे बात किया था, अगर आप एक लाइन भी खींचते हैं तो उसकी अपनी नेगेटिव पॉजिटिव डिटेक्ट होती है, तो ये तो आप एक जीवित जो है उसकी वाइब्रेशन चेक करते हैं। अब ये है सक्सेस सबसे बड़ा, ध्यान में से आपने जड़ निकाल दी उसमें एनर्जी है तो नहीं है, वो जीवित नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन आप सोचिए कि आपका एक ब्लड का स्पॉट लिया लेबोरेटरी में और वो सूख जाता है, उसके बावजूद आपको लेबोरेटरी वाला डायग्नोस करके आपकी डिसीज बताता है कि नहीं बताता है, सूखने के बाद भी उसके अंदर से जो डायबिटीज जो सिम्टम है डिसीज के वे आइडेंटिफाई होते हैं, इसमें सूखने के बाद भी उसकी जो वाइब्रेशन है वो आपको बराबर काम करेगी, उसकी प्रोसेस वही है कि जब आप उसका उपयोग करें तो उसको मानसिक रूप से प्रार्थना करें कि भाई मेरे को इस काम के लिए चाहिए, तब आपको उसके बेस्ट होगा। ओके, एनीथिंग एल्स?